हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एनहांस योर नॉलेज। आई एम मिसेस सोनी कालड़ा, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ मोर अबाउट अडोब फ्लैश। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास ग्राफिक सिम्बल्स। सिम्बल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। सिम्बल क्या है? एक समझने लायक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिम्बल्स। आपके पास तीन सिम्बल होते हैं अडोब फ्लैश के चैप्टर में। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो भी अडोब फ्लैश से रिलेटेड था, तो आगे हम बढ़ेंगे अडोब फ्लैश चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो जो सिम्बल्स हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक। इट इज़ द बेस्ट टू क्रिएट सिम्बल्स फॉर एवरीथिंग दैट यू पुट ऑन द स्टेज। ये कह रहा है सिम्बल को बनाना हर एक चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसे आप क्या कर सकते हो, स्टेज पर रख सकते हो। सो दैट इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड मैनिपुलेट, ताकि उसको मैनेज करना और मैनिपुलेट, उसमें चेंजेस करना आसान हो सके। ऑल सिम्बल्स विल अपीयर इन द लाइब्रेरी। जितने भी सिम्बल आप बनाएंगे या जो ऑलरेडी बने बनाए सिम्बल्स हैं, वो सारे आपको कहाँ नज़र आते हैं? लाइब्रेरी में। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से फैक्ट फाइल देखेंगे। इफ़ यू कैन नॉट सी योर लाइब्रेरी प्लेट, गो टू द विंडो। अगर आपको लाइब्रेरी प्लेट की जो विंडो है वो नज़र नहीं आती है, तो आपने कहाँ जाना है? विंडो पर जाना है। एंड लाइब्रेरी एंड यू विल बी एबल टू सी। विंडो पर जाकर लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो आपको जो लाइब्रेरी की प्लेट है वो आपको नज़र आ जाएगी। नाउ लेट्स मेक द टेक्स्ट वी टाइप इनटू अ सिंबल। टू डू दिस, आइए हम एक टेक्स्ट बनाते हैं जो सिंबल की हेल्प से टाइप किया जाएगा। सबसे पहले हम मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई के अंदर हम लेंगे कन्वर्ट टू सिंबल। गिव इट अ नेम। जैसे ही कन्वर्ट टू सिंबल पे जाएंगे, वहाँ पर वो आपको एक नाम पूछेगा, आपने यहाँ नाम देना है। देखो ये नाम पूछ रहा है। ट्रेन टाइटल, हमने क्या लिख दिया? ट्रेन टाइटल। एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ग्राफिक। अभी आपको तीन बटन दे रहा है, अभी हमने पढ़े थे ना सिंबल के तीन बटन होते हैं, मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक। क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं? ग्राफिक बनाने जा रहे हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफिक। ग्राफिक पे लेंगे और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये आपका लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। ट्रेन टाइटल के नाम से ग्राफिक का बटन आपका बन जाएगा। लेयर्स इन फ्लैश CS3। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स आर यूज टू डिटरमाइन विच एलिमेंट शुड अपीयर इन द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। लेयर्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्टेज के अंदर फोरग्राउंड सामने नज़र आएगा और कौन सा बैकग्राउंड पे यानी पीछे नज़र आएगा। यूजिंग सेपरेट लेयर्स फॉर सेपरेट सिम्बल्स प्लेस्ड ऑन द स्टेज विल अलो यू टू मैनिपुलेट ईच वन डिफरेंटली। ये क्या कह रहा है? अलग अलग लेयर, सेपरेट लेयर मतलब अलग अलग लेयर आप लेंगे अलग अलग सिम्बल के लिए। ऐसे सिंबल जो स्टेज पर होते हैं, बहुत सारे सिंबल हैं, तो बहुत सारे क्या लेंगे? लेयर लेंगे, जिसकी हेल्प से आप उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आगे देखेंगे। यू कैन लॉक लेयर्स एंड हाइड लेयर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिटिल डॉट्स बिलो द आई एंड लॉक आइकन नेक्स्ट टू द कंसर्न्ड लेयर। आप अपने लेयर को लॉक भी कर सकते हो या हाइड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक छोटा सा डॉट बना होता है लेयर्स के नीचे और लॉक का आइकन बना होता है, उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको लॉक भी कर सकते हो। आई पे क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा, लॉक पे क्लिक करोगे तो वो लॉक हो जाएगा। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए क्लिक लेयर वन एंड एड इट टू ट्रेन टाइटल। लेयर वन पर हम क्लिक करेंगे, ये लेयर वन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ट्रेन टाइटल पर हम क्या करेंगे? एडिट कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, तो इसके अंदर हम फैक्ट फाइल देखेंगे। फ्लैश प्लेयर हैज़ सपोर्ट फॉर एन एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड एक्शन स्क्रिप्ट AS। जो फ्लैश का प्लेयर है उसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? AS। AS की फुल फॉर्म है एक्शन स्क्रिप्ट। तो ये जो आपका फ्लैश प्लेयर है वो एक्शन स्क्रिप्ट लैंग्वेज का सपोर्ट करता है। ये फैक्ट फाइल है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपने अंडरलाइन करके अपने बुक में नोट कर लेना है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। बाय बाय।